नीतीश कुमार के राजद कांग्रेस इंडिया गठबंधन छोड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? अगर नीतीश बीजेपी की तरफ जाते हैं तो सम्राट का कद घट जाएगा, सम्राट की पूछ कम हो जाएगी, सम्राट फिर किसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? कि सम्राट चौधरी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो आरसीपी सिंह को होगा। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी बड़ा झटका लगेगा और इनका राजनीतिक कर जो सपना है वो इस बार टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं? कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं बिहार के सियासत में। नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या नीतीश कुमार के पांव फिर डगमगा रहे हैं? दरअसल G20 की बैठक के दौरान जो राष्ट्रपति महोदया की तरफ से रात्रि भोज का निमंत्रण बिहार सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को दिया गया था, उस भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। इस बीच राष्ट्रपति महोदय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात वाली तस्वीरें जब सामने आई तो बिहार में चर्चा तेज हो गई। हालांकि इन तस्वीरों में सबसे खास बात था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बातचीत कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जब नीतीश कुमार एक जगह खड़े हैं हेमंत सोरेन के साथ और इस बीच नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति महोदय के साथ उस जगह पर पहुंच रहे हैं, इस बीच कितनी गर्मजोशी से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात होती है। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद यह पहली मुलाकात है। इसके पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम या केंद्र सरकार के किसी भी योजना से सीधे तौर पर दूरी बनाई हुई थी। बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में नीतीश बात करना नहीं चाहते थे। मोदी के सामने बैठने की तो बात ही अलग थी। लेकिन इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गर्मजोशी से मुलाकात होती है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों के मायने क्यों हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इन दो तस्वीरों के सामने आने के बाद से बिहार में सियासत शुरू हो गई, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के सीधे तौर पर इन्होंने सपना देखा कि विपक्ष के तमाम नेताओं को कैसे एकजुट किया जाए और नीतीश कुमार के कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी और जेडीयू सहित बिहार के नेताओं को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को इस गठबंधन में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। लेकिन जब गठबंधन बना स्वरूप तैयार हुआ तो नीतीश कुमार उस जिम्मेवारी से दूर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ना वो प्रधानमंत्री के रेस में है और ना ही वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड के तौर पर है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी की तरफ वापस आते हैं तो किन किन लोगों की सांसें टंगी हुई है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार अगर फिर से राजद कांग्रेस का गठबंधन छोड़ के एनडीए गठबंधन के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा, किन नेताओं की सियासत खतरे में पड़ जाएगी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद भविष्य में या आने वाले चुनाव के बीच में पलटी मारते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगी उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अगर नीतीश कुमार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी की तरफ जाते हैं, इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान हाल के दिनों में नीतीश कुमार को कोसने वाले लोगों को होगी, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लोगों को होगी, नीतीश के खिलाफ लगातार चुनावी जंग का ऐलान कर व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि उनके लिए नीतीश अगर एनडीए खेमे में जाएंगे तो एनडीए असहज करने वाली स्थिति के अंदर वो नेता हो जाएंगे। बीजेपी में रहने वाले नेता बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जाएंगे फिर किस मुंह से वो बातें करेंगे। दरअसल हम कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं और सवाल इन तस्वीरों को लेकर ही है। अब सोचिए कि अगर नीतीश कुमार, जो बिहार में चर्चा चल रही है कि क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, राजद कांग्रेस को फिर से नीतीश कुमार धोखा देते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो सबसे बड़ा धोखा किसको मिलेगा? नीतीश कुमार के राजद कांग्रेस इंडिया गठबंधन छोड़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को, वामदल को? बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार अगर बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो नीतीश कुमार अगर महागठबंधन सरकार को फिर से छोड़ते हैं और एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो उससे
तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामदल को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि नुकसान केवल और केवल बीजेपी को होने जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी में शामिल या बीजेपी को समर्थन करने वाले राजनीतिक पार्टियों को वो नेता जो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से बीजेपी के करीब गए और अब बीजेपी के लिए नीतीश से दो दो हाथ करने के लिए खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। सबसे पहला नाम आएगा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की। सोचिए कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में वापस जाएंगे तब अब सम्राट चौधरी क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के खिलाफ ही इतनी बड़ी जो तवज्जो है वो दिया है, कुर्सी दी हुई है। और सम्राट चौधरी की छवि इसलिए भी बीजेपी के अंदर इस वक्त फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर के सामने आई है, क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, नीतीश कुमार की नाकामियों को गिना रहे हैं और नीतीश कुमार को हराने के लिए ही सम्राट चौधरी जैसे जिस समाज से वो आते हैं, जिस तबके से वो आते हैं, ऐसे फायर ब्रांड नेता को बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो दी और उनको बीजेपी प्रदेश की कमान सौंपी। अगर नीतीश बीजेपी की तरफ जाते हैं तो सम्राट का कद घट जाएगा, सम्राट की पूछ कम हो जाएगी, सम्राट फिर किसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? बीजेपी शुरू से ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का विरोध करती रही है, आगे भी करेगी। इससे राजद या तेजस्वी यादव को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, ना उनके वोट बैंक पर कोई असर पड़ने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार अगर बीजेपी के करीब जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान सम्राट चौधरी को होगा। उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जिस दारोमदार के साथ मिली थी उनका सपना टूट जाएगा या धरे रह जाएगा। दूसरा चेहरा आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर दो के पोजीशन पर रहने वाले आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती रुख अपना है, नीतीश से बागी और बीजेपी के पास है। आज केंद्रीय मंत्री रहते हुए आरसीपी सिंह को जेडीयू ने दोबारा राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया, लिहाजा इनकी कुर्सी तक चली गई। अब आरसीपी सिंह को नुकसान कैसे होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह घूम घूम कर नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। आरसीपी सिंह को बीजेपी इसलिए अपने पास लेके आई कि आरसीपी सिंह के सहारे नीतीश कुमार का जो कैडर वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो गृह जिला है, उसमें किस तरीके से सेंधमारी किया जाए। अगर नीतीश कुमार भविष्य में बीजेपी की तरफ जाते हैं तो आरसीपी सिंह का वैल्यू खत्म हो जाएगा। आरसीपी सिंह जिस वोट बैंक के लिए लाए गए थे वो जनाधार फिर नीतीश कुमार के पास रहेगा, तो फिर आरसीपी क्या कर पाएंगे? आरसीपी सिंह मजबूर हो जाएंगे, किसी जगह के नहीं रहेंगे, क्योंकि आरसीपी तब बीजेपी से अलग जाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि सम्राट चौधरी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होगा तो आरसीपी सिंह को होगा, क्योंकि करियर दाव पर किसी का लगा है तो आरसीपी सिंह का करियर है, क्योंकि नीतीश कुमार को छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण कुर्सी जेडीयू ने इनको दिया था, उन तमाम चीजों को छोड़कर बीजेपी में गए हैं। फिलहाल पार्टी ने इनको अपने अंदर बीजेपी के अंदर यह शामिल जरूर है, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कोई बड़ा पद या दायित्व तो नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए आरसीपी सिंह को लगाया गया है। आरसीपी सिंह जिस समाज से आते हैं तो वोट बैंक पर नीतीश कुमार की इकलौता पकड़ है और उसमें सेंधमारी करने के लिए आरसीपी सिंह को यह जिम्मेवारी दी गई है। तीसरे नंबर के नेता कौन होंगे जो नीतीश कुमार के बीजेपी के करीब जाने से नुकसान में होंगे या उनका पॉलिटिकल करियर मुश्किल में पड़ेगा? उनके जो सितारे होंगे वो गर्दिश में होंगे, तो नाम आएगा उपेंद्र कुशवाहा। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने जेडीयू के अंदर गुमराह करने की कोशिश की, हमने बहुत कोशिश किया कि नीतीश कुमार को समझाया जाए लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने, लिहाजा हम बागी हो गए। और आजकल उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के समर्थन में खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर एनडीए के साथ हैं और एनडीए ने यानी बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा का भी इस्तेमाल बाकी दो नेताओं की तरह ही करने के लिए उनको लाया है। कुशवाहा वोट बैंक पर सेंधमारी, जिस पर सबसे ज्यादा पकड़ नीतीश कुमार की है। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने इस उम्मीद से अपने साथ जोड़ा है कि 2024 और 2025 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ गुलबंदी करेंगे, मोर्चाबंदी करेंगे। लेकिन हाल में नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बीच जो बिहार में चर्चा है, उस चर्चा की अगर हम बात कर लें और सच में नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव को धोखा देकर बीजेपी के करीब जाएंगे तो धोखा नीतीश किसको देंगे? तेजस्वी यादव को,
पहले भी दे चुके हैं, इसलिए राजद को कोई नुकसान नहीं होगा। राजद 2020 के चुनाव में सत्ता से बाहर थी, 2022 के चुनाव में सत्ता में आई, फिर 2023 और 24 के चुनाव में सत्ता से बाहर चली जाएगी। उसके विधायकों की संख्या 10 की 10 बनी रहेगी। सदन में तेजस्वी पहले भी नेता विरोधी दल थे, अभी डिप्टी सीएम है, फिर नेता विरोधी दल बन जाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है, बीजेपी ने उम्मीद के साथ लाया था, फिलहाल इनको कोई बड़ी कुर्सी नहीं दी गई है, सिवाय इनको सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसी है उनके द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को सुरक्षा दी गई है, और उपेंद्र कुशवाहा घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी बड़ा झटका लगेगा, और इनका राजनीतिक कर जो सपना है वो इस बार टूट कर चकनाचूर हो जाएगा। यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, आरसीपी सिंह जैसे नेताओं के समर्थक कभी भी सपनों में नहीं सोचते हैं कि नीतीश कुमार वापस बीजेपी के करीब जाए, क्योंकि अगर नीतीश एक कदम भी बीजेपी की तरफ बढ़ाएंगे तो इनके सियासत पे ही खतरा मंडराने लगेगा। ये नेता कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार वापस आए। चौथे नंबर पर जीताराम मांझी बिहार की सियासत की वो नब्ज टटोलना चाहते हैं जहां से इनको फायदा पहुंचे। फिलहाल यदि एनडीए गठबंधन के साथ, और इन्होंने तो ऐलान कर रखा है कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी में है, बीजेपी ने जीताराम मांझी को इनके वोट बैंक के लिए इनको अपने करीब रखा है, दलित वोट के लिए। लेकिन दलित पर इकलौता हक जीताराम मांझी का नहीं है, चिराग पासवान पहले से ही जीताराम मांझी से पहले से बीजेपी के साथ खड़े थे, और चिराग पासवान के साथ दलित समाज का जो वोट बैंक है वो एकमुश्त है, ये जग जाहिर है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोध में भी चुनाव लड़ चुके हैं, एनडीए के साथ रहकर और एनडीए से अलग रहकर भी, तो उनके वोट बैंक पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान का जो राजनीतिक कद है बिहार में वो अलग है, वो अकेला चलने का फैसला इसके पहले कर चुके थे, लिहाजा 2020 के चुनाव परिणाम सबको पता है कि चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। लेकिन 2024 और 25 की भविष्य के सपना देखने वाले इन तमाम नेताओं में जीताराम मांझी भी शामिल है, जिनका भविष्य के जो सितारे हैं वो गर्दिश में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी जिस उम्मीद के साथ गए थे, नीतीश कुमार को कोस के गए थे, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी जब वो नीतीश कुमार फिर से एनडीए में सांस ले जाएंगे। दरअसल बार बार ये बातें क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने का असर सबसे ज्यादा इन नेताओं को होगा, बीजेपी और बीजेपी के समर्थित नेताओं को होगा, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं या बीजेपी के समर्थन के लिए जो नेता आए हैं, इन सभी के पास इकलौता टास्क एक ही है कि नीतीश कुमार को कैसे डैमेज किया जाए। इनके एजेंडे में राजद कहीं नहीं है, इनके एजेंडे में तेजस्वी यादव कहीं नहीं है, इनके एजेंडे में बिहार की महागठबंधन में शामिल जो अन्य दल है वो नहीं है। इनके गठबंधन में इन तमाम नेताओं के कंधों पर, इन तमाम नेताओं के राजनीतिक भविष्य का अगला कल नीतीश कुमार का विरोध करके ही है। यही वजह है कि बिहार के सियासत में इन नेताओं की पूछ बीजेपी में नीतीश कुमार के जाने के बाद घट जाएगी, कम हो जाएगी, और इनका सियासी जो सपना था वो चकनाचूर हो सकता है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।